जल्दी से सारा काम कर लूं। फिर पापा के लिए खेत में रोटी लेके जानी है, सुबह से गए हुए, भूखे होंगे। अरे कहाँ आ तू अब तक? बुआ रात भर जागता रहा कि रात को बिजली आ जाएगी तो खेत को पानी दे दूंगा, सुबह आया कहाँ आंख लग गई। तो तेरा यू टाइम अब तक सोने का? काम करने के लिए बुलाया तो यहाँ सोने के लिए और खाने के लिए ना बुलाया? खेत पर चला जा, तेरा फूफा कद के गए हुए। चला जाऊंगा बुआ, छाय तो पिलवा दे। वही भिजवा दूंगी छाय में, जा। ए तू कद की लगी हुई है, चार बर्तन में तेरे पे चार बर्तन नमज है? एक घंटा होगा तुझे वहाँ बैठी भाई को। हाँ मैं कर रही हूँ। और देन बर्तनों को दे सब में आग। तू ना करे एक काम भी ढंग का, कम मखत मारी जन कहाँ से मेरी छाती में धरी गई मूंग दल ना खोयो। काम की ना काज की दुश्मन अनाज की हो रही है तू। महारानी अभी तक मेरे कपड़े नहीं धुले, सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं और तेरी वजह से मुझे गंदे कपड़े पहन के कॉलेज जाना पड़ रहा है। सारे दिन खाना पीना सोना कुछ काम भी कर लिया कर। दीदी आज धो दूंगी। धो दूंगी? क्या करेगी ये कपड़े धो के? इसे तो एक काम बता दो, उसी पे अड़ जी रहा है, बांधना चाहिए बस। दीदी खाना खा लो। खाना? तेरी वजह से मुझे गंदे कपड़े पहन के कॉलेज जाना पड़ रहा है। दीदी आज धो दूंगी। धो दूंगी? दीदी दर्द हो रहा है। माँ तेरे से टसरे भारी है। छोड़ पर इसके मुंह क्यों लग रही है? तेरा सारा दिन खराब जाओगा इसके चक्कर में। सिमरन बेटा कॉलेज से जल्दी आ जाइए सांझ को, तेरे पिताजी लड़ाए फिर मेरे से। हाँ ठीक है आ जाऊंगी। ठीक है जा। जब तेर से कपड़े धोने की कही तो तू धो ना सके, हराम पच रहे, काम करने को जी ना करता तेरा तन नख भी। रोटी बनाई या ना बनाई भारी भी, या सारी सटक गई तू ही, हम के डले खावेंगे? एक भी काम ढंग का नहीं कर सकती, 12 बजने को जा रहे हैं, अब तक घैसले पत के निमटे हैं इसके। अरे ये आंसू भाग के मत दिखा, सारे पड़ोसी को जाओगी ना आंसू को दिखाती, इन्हें यही पूछ ले, सबकी नजर में गिराना चाह रही है, कैसे हम दुखी रखे हैं? यू सुकर समझ तू अनाथ, हमने धर लिया। आशा आई लव यू। हाँ तू तो अंग्रेजी जानती नहीं, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ। करण सिंह हाथ छोड़ मेरा, कितना बदतमीज है तू। और तेरा मेरा रिश्ता जो है ना वो भाई बहन का रिश्ता है, पर तेरी सोच और तेरी नीयत बहुत ही घटिया है। हाथ छोड़ मेरा, मुझे पापा को रोटी देने जाना है। पापा? कैसे पापा तेरे? तू अनाथ है, तू जानती है बाप का मतलब, और मैं तो तेरा भाई कैसे भी नहीं हो सकता। करम सिंह मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़। क्या कमी है मुझ में? देख मेरे गोरे गोरे गाल, गुलाबी गुलाबी होठ, कितने सुंदर बाल, और देख मैं सब पे हुक्म चलाता हूँ, और तू पहली है जो मुझ पे हुक्म चलाएगी, और तू इस हुक्म का अवसर ठुकरा रही है। हाथ छोड़, मैं ना अभी पापा को जाके सब बता दूंगी, वो यही पास वाले खेत पर काम कर रहे हैं। छोड़ मेरा हाथ, हट। कब तक बचेगी? पापा आ गए बेटा। आ जा। क्या बना लाई मेरी लाडू बेटा आज? रोटी सब्जी और मट्ठा। अरे बेटा क्या हो गया? वो पापा काम करते वक्त लग गई थी। बेटा तेरे पे तो झूठ भी ना बोला जाता है, यू काम करते हुए चोट है यू मार रखा उन कमीनों ने, फिर तेरे साथ कोई ना कोई सांग करा होगा। कुछ नहीं, मैं बहुत बहुत दुखी हो लिया बेटा। क्यों लाया था मैं तुझे इस घर में? तेरे मरे हुए बाप को ना मैं वचन देता और ना मैं तुझे इस घर में लेके आता। कितने बड़े घर खानदान की थी तू, पर उस कुदरत का कहर
उसकी ना इंसाफ इंसाफी वही जानना है। तेरे माँ बाप न मरते, तेरे चाचा ताऊ तेरी जमीन जायदाद न हड़पते, और तेरा मरता हुआ बाप तेरी जिम्मेदारी मेरे हाथ में सौंप के न जाता तो मैं तुझे इस घर में कतई ना लाता। पर मैं मजबूर हो रहा बेटा, ये तेरे पे बहुत जुल्म कर रहे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं जैसे मैं आपकी बेटी ना हूँ। आपने आपने सारी खुशियाँ दी है मुझे, किसी चीज की कमी नहीं की मेरे लिए, मुझे बहुत प्यार दिया है। शायद पापा आज अगर मेरे असली माँ बाप भी जिंदा होते ना तो वो मुझे शायद कभी इतना प्यार नहीं दे पाते जितना आपने दिया है। बेटा तू मुझे कमजोर करेगी, रोआ के ही मानने की देख लिए थी बिल्कुल। पापा आपको भी ना झूठ बोलना नहीं आता, आप भी रो रहे हो। नहीं बेटा, जब तू घर से चली जाएगी ब्याह होके तेरे इस बाप का क्या होगा। तुम्हें पता है मेरे पापा ने नोएडा में अभी 50 बीघा जमीन खरीद ली है। अच्छा? हाँ। अरे मैं भी पापा से कह रहा हूँ अमेरिका का सारा बिजनेस बेच बाच कर इंडिया आ जाएं। पता नहीं क्या कर रहे हैं, और मेरे तो खर्चे के पैसे भी खत्म हो गए हैं। खूब फोन करता हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे, और वो मैनेजर मेरी बात भी नहीं कराता, और अकाउंट में पैसे भी नहीं डलवा रहे। कैसे करूँ मैं, कैसे कैसे जी रहा हूँ मुझे ही पता है। अरे अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो, बस इतनी सी बात है, लो मेरी अंगूठी रख लो। अरे यार मैं तुम्हारी अंगूठी रखूंगा क्या? नहीं 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 रख लो। अरे यार नहीं, यार नहीं रख लो ना। अरे जब तुम कह रही हो, इतनी जिद कर रही हो तो रख ही लेता हूँ। यार तुम कितनी अच्छी हो यार। माँ माँ कहाँ चली गई? क्यों चिल्ला रही बेटा, क्या बात है? बहुत तेज भूख लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, सारी बातों को गुटर गुटर सुनकर और झाड़ू लगाड़ मार रही है, नूना देख रही, तुझे खाना ला दो। माँ बस थोड़ा सा रह गया, इसे और साफ कर दो फिर ला दूंगी। तेरे माथे की फूट रही है, सवेर तो चली गई खाली पेट, सवेर ना खान दी तन्ने से, और अब भी झाड़ू में लग रही है नूना, रोटी ला के दे दू इसे। ला रही हूँ माँ। तू ना लावे, तू एक काम कर, हमें झाड़ दे दे माँ बेटी को, सारी जा तू ही सटक ली है, तू ही रल्ली फैली फिरी है यहाँ, मार दे हमें। ला रही हूँ। एक काम कर बेटी, तू हाथ मुंह धो ले, मैं ला रही हूँ रोटी तेन, ठीक है? ये वैसे काम करे, पता ना कहाँ से लाकर धर दी मेरी छाती पे। यू अरे पंडित जी, राम राम। चौधरी साहब राम राम। और ठीक ठाक पंडित जी? हाँ चौधरी साहब, सब कृपा है भोलेनाथ। अरे यजमान यजमान सब ठीक ठाक हैं? हाँ चौधरी साहब बहुत बढ़िया मजे में। भाई तुम तो मजे में हो, पर पंडित जी थारे से एक बात हमने भी कही थी, आज लो मारी बात तुमने वा बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में ना रखी। बोलो चौधरी साहब। अरे अब भी बतानी पड़ेगी, तुम्हें बताया था दोनों लाली बड़ी होली, अरे उनका कोई रिश्ता अगर कहीं हो देख के हमें बताइयो, दूर दूर लो तो तुम घूमो, एक रिश्ता नहीं थारे पे बताया जाता। चौधरी साहब एक मौका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खानदान, बहुत अच्छे लोग हैं, समाज में इज्जत है, बहुत बढ़िया खानदान, उनका बेटा तो ऐसा है बहुत ही गुणवान व्यक्ति। अरे पंडित जी तो अपने धोरे रखोगे, आ बात मारे धोरे लो भी तो पहुँचा देते। अरे कौन है किसके है? चौधरी साहब पीतमपुर वाले धर्मवीर सिंह है ना, उनका बेटा है वो। धर्मवीर सिंह? हाँ जी। अरे उनका तो भाई कदिम्मी घर है, बहुत पैसे वाले हैं, बड़े जमींदार हैं, उनका बेटा इतना बड़ा हो रहा भाई। जी चौधरी साहब। पंडित जी मारे तो दोनों छोरी हैं, मनीषा भी है और आशा भी है। बस चौधरी साहब अगर आप कह रहे हो तो मैं जाके कर लेता हूँ बात, पक्की हो ही जाएगी। भाई पंडित जी तुम बात करो। ठीक है चौधरी। अच्छा राम राम पंडित जी। और सब ठीक ठाक है? मैडम मार दिया कि नहीं? हाँ जी मार दिया। अरे ईख आंख तो ना लोट गया, काल बहुत तेज हवा चली। चौधरी साहब राम राम। राम राम जी। आओ जी प्रधान जी, आओ आओ बैठो। कहाँ चले नहीं करता पर बैठो। आओ जी आओ चौधरी साहब बैठो। आओ जी आओ आओ बैठो। और राजी खुशी सब बढ़िया भाई? सब बढ़िया है। थारे यहाँ भी सब ठीक है? हाँ सब बहुत बढ़िया। और मंगू सब ठीक ठाक भाई? जी ठीक ठाक तो सब है, गन्ने का भाव तय नहीं हो रहा, भुगतान रुका पड़ा। सरकार तो बिल्कुल निकम्मी है, इसने तो ठोड मार दिए। नहीं सरकार तो निकम्मी है नहीं, सरकार तो बहुत कुछ कर रही किसानों के लिए, ये सब सामान दे रही है, मशीन सब्सिडी पा रही है,
या 6,000 रुपए में आगी सरकार ने अनुदान दिया और कृषि यंत्रों पे सब पे छूट दे रही है। छूट दे रही है तो किसान धरना क्यों दे रहा? धरना यू दे रहे है, वो धरना नहीं है, वो तो उनके नाक की लड़ाई है किसानों की। किसान अपने नाक की लड़ाई लड़ रहा है। लड़ो मत भाई, सुनो चौधरी साहब, अब की जो तुमने सरसों का बीज बोया, नया बीज था? हाँ जी, नया बीज बोया, सब्सिडी पाया था अनुदान पे। मुझे नो बताओ कितने महीने में तैयार होगी थाली फसल? महीने में होगी जी। और क्या लिकाड़ आ रहा है? 1 क्विंटल बिकेगी लिकट रही जी। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बीज लिया 3 महीने पहले जी, है फसल तैयार करी, अब उसे बेच रहे, 1.5 क्विंटल का बिघा निकला। अजी 6,000 रुपए क्विंटल को बिखरी। मैं यूं ही तो बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, सरकार ने कोई कानून ला दिए जी? जी, पहले उन्हें भुगत तो लो, देख तो लो, उसके बाद ही तो बता दियो ये अच्छे हैं बुरे हैं। अगर चौधरी साहब को कोई यूं बता देता कि जो सरसों का बीज जो बोरे इसमें कुछ भी नहीं निकलने का और ये ना उसे बोते, तो इनकी आज 9,000 रुपए की फसल कुकर बिक जाती। नु बता दो तुम, यूं तो सही कह रहे हो भाई। कानून हो सके सरकार गलत ले आई हो, वह बदलने को तैयार बैठी। अब फिर एक बात और भी तो है, अगर कानून हमारा नुकसान कर रहे, सरकार पलट देंगे, दूसरी सरकार ले आएंगे, सरकार भी तो हम ही बनावे, फिर बदलवा देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं चौधरी साहब की बात से सहमत हूँ, यह नाक की लड़ाई बन गई बस, समझ गए? नहीं हाँ, यह नाक की लड़ाई बन रही। ऐसे कैसे चलेगा, किसान का नुकसान हो रहा बहुत, व्यापारियों ने तो लूट मचा रखी है जी, आंदोलन इसी चक्कर में हो रहा। सरकार MSP भी तो न दे रही, किसान भूखे मर रहे। भाई एक बात तो बताओ, व्यापारी इस देश के ना क्या? वे भी तो इस देश के ही हैं। अरे हम किसान हैं, हमारा काम है फसल पैदा करना, हमने फसल पैदा कर ली, अब इसे हमारे खेत से, हमारे खलियान से, इसे कौन बाहर लेके जाएगा, लोगों तक कौन पहुंचाएगा? व्यापारी की जरूरत ना क्या हमें? ये चीनी मिल जहां हम अपना गन्ना लेके जावे व्यापारियों की तो है, अगर तुम इन्हें खत्म कर दोगे फिर हमें कौन पूछेगा? यो हाथ और यो हाथ दोनों मिल जाना, तब जाके काम चले, किले किले से ना चलने का। इस देश में किसान की भी जरूरत है और व्यापारी की भी जरूरत है, समझ गए? नो हम एक दूसरे का विरोध करके ठीक नहीं रहने के। सही कह रहे हैं चौधरी साहब, धर्म सिंह सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये नू है। हाँ भाई, हम सब एक हैं, हमें सबको मिलके अपना देश आगे बढ़ाना, देश आगे बढ़ाना। एक बात तो बताओ, मेरे खेत में आग लग जा, तुम सारे मिलके आग बुझाओगे ना बुझाओगे? बिल्कुल, मिलके ही तो काम हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा इम मैं चलूं। राम राम चौधरी साहब। राम राम जी। राम राम चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक कह के गए, एक बात सही कह के गए, यह बात थरी समझ में ना आ रही थी। ये आ जाएगी रोटी तेरी ना, हाथ मुंह धोके भी आगे छोरी पर तेरी रोटी ना दी जा। मेरे बच्चे सवेरे से भूखी है, यह तू लैंटीन में से लेकर कुछ खा लेती, भूखी मर रही है। माँ वो लैंटीन नहीं कैंटीन होती है, जब नहीं कहना आता तो मत कहा कर। अरे आग लगो मेरी जुबान में, यूं ही फिसलती रहे, क्या हूँ कुछ और लिखड़ा कुछ है। दीदी खाना। सलाद ना है? वो खत्म हो गया। कैसा होगा खत्म, धरा था खीरा, सटक गयी होगी तू, तेरे तो भरने की आग लगी रहे। जा चली जा, तन सर आए तैला दे। ला रही हूँ माँ। सारे दिन भरने पड़ी रहे और नू कहते कि खत्म हो गया। अंगूठी कहाँ तेरी? माँ वो के? वो हाथ पैर धोने गई थी ना, तो बाथरूम में रख दी थी, अभी लेके आती हूँ। अरे तो ऐसी चीज धरने की हो, लेकर आ चल। अभी लेके आती हूँ। यू छोरे भी भाई ध्यान नहीं रखती, भला ये चीज बाथरूम में धरने की हो, इस छोरी को पता ना कदा खला आवेगी। मिल गई अंगूठी कहाँ है? मेरे से आने से पहले आशा गई, वहाँ लेके गई होगी अंगूठी। आशा ए बाहर को आई है? हाँ माँ। हाँ पहली बात तो तू मुझे माँ मत क्या करे, मैं तेरी माँ ना हूँ, और अंगूठी लिखाड़ कहाँ धरी है? माँ कौन सी अंगूठी? मनीषा की अंगूठी। माँ मुझे ना पता दीदी की अंगूठी कहाँ गई, तुम्हारी कसम। हाँ मेरी कसम और खा जा। हाँ मेरी कसम खा जा, मुझे और मार दे झूठी कसम खा के। अंगूठी कहाँ है? बता अंगूठी कहाँ है? अंगूठी बता दे, नहीं फोड़ फाड़ के देख ले। बता बता अंगूठी, मैं नहीं जानी, बता दे अंगूठी। क्या हो गया, क्यों मार रही? रुक जा रुक जा रुक जा, क्या हो गया? तुझे बेचारी देख रही है, ये सांप सुन गए। अरे ऐसा क्या कर दिया इसने? अंगूठी चुरा ली मनीषा की। अरे बता रही नहीं है, अरे बता रही ना बता रही नहीं, मैं देखूंगा इसे, मैं देखूंगा। चल
पता कहाँ उठी? मुझे नहीं पता। अगर तू मुझे आई लव यू बोल देती ना तो मैं तुझे बचा लेता। अरे तू मुझे धमकी दे रहा है। धर्मो, अरे क्या कर रहे तुम? मारोगे क्या इस छोरी को? क्या कर दिया इसने? अंगूठी चुरा ली इसने। या थारे जेवरों का क्या करेगी? इससे पूछ लो कहाँ ले जाओगी। इन्हें चुराई और तो कोई आता ना घर में। तुमने देखा इसे चुराते हुए? अरे यार क्या भूल गई होगी, गिर गई होगी कहीं। ए लाली तू जा, भीतर जा। तुमने तो घना कुरब्बा चला के रखा इस घर में। जा बेटा तू घर में जा। ए भाई तू यहाँ हंडल लग रहा, खेत में ना आ सके था? कुछ काम था, मैं आ रहा था। ओ अडानी अंबानी, काम तजही है हमें ना भाई, काम कुछ भी, हम तो ठल्ली फिरू जा। अरे इस घर में आऊ था, आज एक खुशखबरी मिल रही थी। ए सोचा था खुशखबरी दूआ, पर इस महाभारत को देख लिया। अरे तुमने तो इस घर का नाश कर दिया। भूख लगन लग रही थी गनी जोर की, रोटी भी ना चाहती मुझे थारी। कल लो बात, एक तो चोरी होगी, ऊपर से कुछ कहवे भी ना। पता नहीं कहाँ चला गया, भाड़ा लेन गया। अब मेहनतों से सेटिंग करने गया, अब बहुत खराब है यो। ओए हाँ, फावड़ा ले आया हूँ, एक को पानी देना, बिजली चला। मैं चलाता नहीं बिजली। अरे चलाया हो? मैं नहीं चलाने का बिजली कतई भी। अरे मैं बड़ा हूँ बात मान ले। तू ही चलाओगा बड़ा है तो। कभी तू ही चला जाए। मैं तो नहीं चलाता। चल एक काम कर। क्या? बिजली मैं चलाया हूँ। हाँ ठीक है, मुझे गन्ना तोड़ ला जा। मैं एक मत गन्ना भी लाता। कभी ला दे। ना लाऊं। कभी ला दे मक्का। मैं लेने का नहीं, जा मैं तो नू कहूँ तुझे सांप खा ला साले। सांप के तो साले के मैं कतले कतले कर दूंगा, और कतले कतले करके साले को चाप भी दूंगा मैं। बहुत मुझे खाया साहब ने मुझे अरे मैंने नहीं खाया, यू देख ले। मैं तो मजाक कर रहा था, वहाँ साहब था ही नहीं। काम नहीं करते बिल्कुल भी, चलो काम करो, ड्रामे करते रहे हमें, चलो। अच्छा देख ले, आज मैंने तुझे सांप तो बचा दिया, सारे आगे से मत खवा दिया ना। मैं नहीं, तू मेरा भाई नहीं है। आजा, बच गया। मनीषा आज तो बेटा जल्दी स्कूल जा रही है। ओ माँ, वो स्कूल नहीं कॉलेज है, और आज मेरे पीरियड जल्दी शुरू होने वाले हैं। आजकल की पढ़ाई देख लो कितनी कैडी चल रही है। देखो मारी मनीषा को, सवेरे जल्दी जा और सांझ को लेट आवे। ऐसा क्या इसे कॉलेज भी ना जान देने की तू? हैं? पढ़ लेन दे इसे, अपने खानदान की ढाल इसे भी अनपढ़ी रखेगी क्या? अब मेरे खानदान को मत क्या करो, खानदान की बदौलत है जो तुम्हें टाइम से रोटी मिल रही है। मिल रही हो ना तुम्हें? मैं बहुत ही शरीफ। शरीफ? हाँ भाई, शांति से ज्यादा शरीफ तो इस दुनिया में कोई है ही ना। तेरी शकल से ही टपके सारी शराफत। रात तो बात रह गई थी, एक बात कहूँ था। पंडित जी मिले थे कल सांझ को, एक रिश्ता बता रहे बहुत बढ़िया, पड़ोस के गांव का ही लड़का, जमींदार का लड़का। अच्छा। 50 किल्ले तो जमीन है उस पे, बस बाप नहीं है माँ है, बहुत बढ़िया लड़का। घर तू कहती हो तो अपनी आशा की बात चला लूँ उससे। आशा का क्यों करेंगे, जब बढ़िया घर मिल रहा है, बढ़िया लड़का मिल रहा है, हम अपनी मनीषा का ही ना करेंगे? चल भाई मनीषा का कर ले, मनीषा की बात चला लेंगे। पिताजी मुझे भी शादी नहीं करनी, अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ए तू स्कूल चली जा, हम तेरे से ना पूछ रहे, बढ़िया लड़का मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा। बेटा ये काम मारे हैं, बहुत चीज देखनी पड़े ब्याह के लिए, घर भी देखना पड़े, खानदान भी देखना पड़े, सब चीज देखनी पड़े, यो चीज मारे पे छोड़ दे। अरे इतने बढ़िया घर का रिश्ता बता रहे हैं, हम अपनी मनीषा का करेंगे? यू ठहरे अनाथ, इसका क्यों करें हम? हमारे का पैसा फालतू आ रहे हैं, जिसके पीछे इतना लगाऊंगे हम? पापा माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मनीषा दीदी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप मनीषा दीदी की शादी वहीं कर दीजिए। वो तो हम करेंगे, कुलीस से आके देखूंगी इसे तो मैं। देखिया कितनी संस्कारी लड़की है, अरे इसे भी तू भला बुरा कहवे, सर मां जाया कर,
मैं न्यू कहूँ था पंडित जी के धुरे चल रही, ठीक है नहीं, और मनीषा की बात चलाई दे, हो सके मामला बनी जा, और अपना लड़की के हाथ तो पीले कर नहीं है, ठीक है नहीं, और उंगे से उंगे फिर मैं खेतों में चला जाऊंगा, ठीक है। बेटे आज तो ऐसा घर पर अकेली है, आज काम बन सके, आज नहीं छोड़ने का बिल्कुल भी, आज तो मजा ही आ जाएगा यार, आय हाय, चलो चलते हैं, बनाते हैं प्लान। हरे राम 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 जी, राम 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 चौधरी साहब, आओ बैठो। और चौधरी साहब सब ठीक हैं? हाँ सब बढ़िया पंडित जी, सब बहुत बढ़िया पंडित जी, हम तो कहने के लिए आए थे बस वही बात, दोनों बेटी हैं, अब आप उस रिश्ते की बात कर ही रहे थे, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारी तो मंजूरी, इन्होंने भी हाँ कर दी, आप बात आके बढ़ाओ दोनों की। ना जी, मनीषा की बात करियो रिश्ते की। मनीषा की भी हो जाएगी? मनीषा तो पढ़ी लिखी भी है, अच्छी है, सुशील है, उसकी भी हो जाएगी, MBA कर रही, वाह, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने की, तुम गुण मिलवाओ। ठीक है चौधरी साहब, मैं मिलवा लेता हूँ गुण, और फिर मैं आपको सूचित कर दूंगा। हाँ पंडित जी, जल्दी से जल्दी ब्याह करेंगे हम। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा पंडित जी, अब हम तो चलेंगे। अच्छा पंडित जी, राम राम। राम जी। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम। तू यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता, यह मेरा घर नहीं है। मैं खेत में जा रही हूँ पापा को खाना देने। हमें भी दे दे रोटी। ला रही हूँ। ये ले। मेरी भूख रोटी से न बुझने की। मेरा हाथ छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। पापा भूखे हैं खेत पे। बाढ़ में जाने दे पापा को, जो सामने है उसकी प्यास बुझा, उसकी भूख मिटा। छी, कितना गंदा है तू। तेरा मेरा रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है, और तू मेरे लिए इतनी गंदी सोच रखता है। ये बात मैं जाके पापा को बताऊंगी। भुआ और फूफा को बताएगी। साली, तू प्यार की भाषा समझती नहीं। आज मैं तुझे सारी बातें समझा दूंगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, छोड़ दे, आज छोड़ती हूँ, छोड़ दे मुझे। पहले मेरी भूख मिटा, उसके बाद रोटी लेकर जाइए, नहीं तो मैं भाषा बोल दूंगा कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती लाचार संबंध बनाने की कोशिश की, और तुझको वहां घर से निकाल देगी, समझ गई ना? खोल, खोल दरवाजा, खोल, अरे खोल दे, बच्चा, खोल। देखता हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलती, मैं भी यही बैठा हूँ। ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? पापा को कैसे रोटी दूँ? वो भूखे हैं, ये बाहर ही बैठा है। कॉल। एक काम कर, मैं तो जा रहा यहीं पे खेतों में, और तू आशा पे मेरी रोटी भिजवा दी खेतों में ही। अच्छा, जब बाप बेटी खूब चुगली करो मेरी, आशा को तो भेजूंगी रोटी लेकर। कौन कर रहा तेरी चुगली, और चुगली से तू डरे के? चलो भेज दूंगी, जाओ। आज तो चिड़िया हाथ में आते आते बच गई यार। भाई आज ना तो कल फंसेगी। अरे यार, तन्ने इतना बढ़िया मौका गवा दिया, तेरे बस का कुछ नहीं है। साले कान पे ऐसा थप्पड़ मारू, आग घूम जाएगी तेरी। नू कह रहा सब कुछ गवा दिया, तने कभी लड़की छेड़ के देखिए, अंदर तक हल जावा आदमी। वो आ गई, देखी बदबू तो ला रही। हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। करमू का खेत पर चला जाइए, वहाँ तेरा फूफा अकेला लग रहा है काम में, और तू ही निकम्मे इनकी गैल बैठा, इन्हें तो कुछ काम है ना, तू भी इनकी गैल लगा रहा कर। अरे बुआ कैसी बात कर रही है, मैं तो खेत पे कोई आ रहा था, मुझे भूख लग रही थी,
मैं रोटी लेने के लिए घर चला गया। मैंने आशा से कही रोटी दे 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 दे, वो कमरे में सो रही थी, उन्हें दरवाजा भी ना खोला। मैंने खूब खड़खड़ाया, अंदर सोते रहे, दरवाजा बिल्कुल भी ना खोला। आज इस आशा का टाइम खराब है, कम बखत मारी का जन कहाँ से मेरी छाती पे धरी गई मूंग दल लखवा सहनी हूँ। चलो आज इसे बताती हूँ, आ जा। वो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है भाई, इसका कुछ काम करने को जी नहीं करता, देख ले थाली यही पड़ी है, हैं जन काम मर रही है। आशा, ओ आशा, मां गई, मैं मां को बताऊंगी सब। ए काम मर गई, मैं तो दुखी हो ली इसलैंडिया से। मां दिया खेत पर रोटी? मां नहीं, क्यों ना देखा ही भूखने लग रही है, सवेरे के गए हुए भूख के प्यासे खेत पर काम कर रहे, शर्म है थोड़ी घड़ी है ना है। मां ये कर वो मुझे देख बुआ, अब भी मेरा ही नाम है इसकी जवान पे, अपनी गलती न मान नहीं, आज मैं देखूंगा इसे। अरे तू हर जगह देखूंगी सर। माँ क्या सुना थी मेरे पति जग रोटी तन्ना? मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो तेरी बात, पता ना करम जाली कौन सी मनुष्य गाड़ी थी जब तू हमारी छत पे धरी गई। जैसा तन्ना मेरा भतीजा भूखा रखा ना, आज तू जैसा ही भूखा रखूंगी, एक टुकड़ा नहीं दूंगा रोटी का, सारा काम तेरे से करवाऊंगी। सुनो ये करने ले जा, निपट जाएगी। अरे यार क्यों नाराज हो यार? नाराज ना हो तो क्या करूं, घर पे मेरी शादी की बात चल रही है और तुम अपनी मम्मी पापा से नहीं मिलाते। अरे यार अगले महीने मम्मी पापा आ रहे हैं और शादी कर हम दोनों अमेरिका ही जाएंगे और अमेरिका ही रहेंगे। बस ऐसे कहते रहना तुम, और एक वो घर पे वो आशा की बच्ची, शादी की बात उसकी चल रही थी और उसने मेरे ऊपर डाल दी, उसे तो मैं देख लूंगी आज घर पे जाकर। अरे यार उसे खामुखा घर में रख रखा है, खामुखा पाल रहे हो, उसे घर से बाहर फेंक दो यार। सही कह रहे हो तुम, आज उसको घर पे जाकर ठीक करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पापा को बताऊं या ना बताऊं? अगर मैं पापा को बता भी देती हूँ तो वो परेशान हो जाएंगे, क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ए भाई मुझे एक बात बता, तुझे कभी धुंधला सा भी दिखाई दे? हाँ दिख जा के देखदार धुंधला सा। ये तो मेरे पे दवाई ऐसे गिर फोड़ दिए आग मेरी साले। अरे यार ये तो उस वाली बात होगी, गधे को दिया नमक, गधा क्या मेरी आँख फोड़ रहा, मैं आँख फोड़ रहा हूँ तेरा इलाज कर रहा हूँ। अच्छा तू हमें गधा सोच रहा? मैं भाई क्या हो, एक बात बताऊँ? खुमुच्चे पड़ी, अरे मुझे साले तुझे बताऊँ, तुझे मिल जाऊँ ना पहले, तो मुंह में बांध लूँ मैं, रुक जा एक मिनट। पंडित आ लिया। पंडित जी राम बेटा, माता जी अंदर ही हैं? हाँ आएंगी। ठीक है बेटा चल आजा, देखेंगे क्या बात चल रही वहाँ। अरे भाई साहब हमें बताओ ही पंडित जी क्यों आया? मुझे क्या पता? पता नहीं मैं, पता क्यों नहीं, और पता किसे है? अरे जाओ, अरे चलो भाई पता करें। अरे चलो चलो चलो, अरे चलो 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 चलो, देखेंगे क्या बात है, अंदर कुछ बात सीरियस चल रही है के? आओ पंडित जी, पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, आओ बैठो। कैसे कैसे आना हो गया? बस चौधरी आपने एक काम को कह रखी थी उसी के लिए आया था। अच्छा अच्छा, क्या यार? चल भाई चल चल, ये तो आपने बहुत अच्छा करा। और कैसे हो पंडित जी? बढ़िया बेटा बढ़िया। अरे अम्मी तो नन्नू कन्नू से बोल दो पंडित जी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करे। अरे चौधरी चाय रहने दो, अभी जो काविंदर सिंह है उनके यहाँ चाय पी का रहा हूँ, और वैसे भी डॉक्टर ने ज्यादा चाय को मना कर रखी है, एक गिलास जल पिलवा दो। नन्नू जल ले भाई। लो जी पंडित जी पानी। तुम्हारे बालक ने नहीं जीते रहे मैं। बालक? पर पंडित जी मेरा तो ब्याह ही नहीं हुआ। तो हो जाएगा, हो जाएगा, तो और पियो पानी ले के आओ बस। हाँ जी पंडित जी अब बताओ। खालकपुर के धर्म सिंह जी हैं, उनके दो बेटियां हैं मनीषा और आशा, दोनों ही संस्कारवान है, आशा कम पढ़ी लिखी है, मनीषा का इस वर्ष MBA फाइनल है। आप बताओ। हाँ बताओ बेटा क्या मर्जी तेरी? जैसा आपको ठीक लगे माँ। वैसे तो मनीषा अच्छी पढ़ी लिखी है,
तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। कई बार गांव वालों से सुना है, जब भी कोई बड़ी पंचायत होती है, बड़ा मसला होता है, तो वो नहीं बुलाया जाता है, बड़े अच्छे इंसान है। तो लड़कियां तो उनकी अच्छी होंगी, संस्कारी होंगी, परिवार ही अच्छा है वो तो, मैं जानता हूँ उन्हें। हमारा बनना चाहिए, बनना क्या है, एक काम कर। हाँ। चल भाई चल, चले चल। तो पंडित जी फिर अब मनीषा के लिए ही बात कर लो। ठीक है चौधरन, मैं मनीषा के लिए आगे बात बढ़ाता हूँ। हाँ जी पंडित जी, मनीषा का कोई फोटो वोटो है? नहीं चौधरन, फोटो तो लाना ध्यान नहीं रहा, लेकिन लड़की चरित्रवान है, सुशील है, सुंदर है, आप चाहे कहीं भी पता कर लेना, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी लड़की है उनकी। अच्छा पंडित जी, जब आप इतनी बात बोल रहे हो तो हमें तो आप पे पूरा भरोसा है, आपके और परिवार के और हमारे परिवार के इतने पुराने संबंध है, तो हम तो आपके भरोसे ही है। जब आपको लड़की पसंद है, सब कुछ ठीक है, तो आप डेट फिक्स कर दो शादी की। ठीक है चौधरन, मेरी पूरी गारंटी है, और मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। पंडित जी आ रहा, आने दे, इस तभी आगे बात करनी आज जरूरी, बिल्कुल करेंगे, अगर ना मैंने तो सोल बैठा देंगे आज, डालो आज इसे। हाँ पक्का। अरे 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 सगल आ जा बेटे, आ जा आ जा, आज इसे मोड़ दूंगा मैं तो, पैर गिरूंगा इसे, सगना हो दिया भी बिल्कुल भी। हाँ हाँ आने दे। पंडित जी हमारा ब्याह करवा दे, हमें भी बहू चाहिए, फुटकी फुटकी कैसे भी दिवा दे, एक तो काम चला लेंगे हम तो। अरे पागलो मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दूर जाना। अच्छा नन्नू, जल्दी दे धोती खोल, धोती खोल कर पंडित जी का अपमान, श्राप दे दूंगा तुम्हें। जल्दी गिलास ले आ, गिलास पागल हो रहा है, इतने पंडित जी भाग जाएगा, हम तो आए होक से ही पी लेंगे। हाँ, दे शराब। मेरी साइकिल छोड़ दो, अभी दूध में प्याला, मैं शराब नहीं शराब कह रहे हूँ। अरे पंडित जी कुछ भी दे दे, पर तुम्हारा ब्याह करवाया दे। कैसी भी हो, हाँ। कैसी भी हो, तुम्हारा ब्याह होने का निकम्मा कुतिया से भी। पर कोई बात नहीं, साइकिल तो छोड़ के गया, जो कम से कम साइकिल तो मिली। अबे चंगे चल, लाख रुपए की चली जाया। आज खेत पे न जा रखे है? खेत पे? अरे आज पंडित जी आने वो रिश्ते की बात करने गए थे ना, खेत पे ना जाना मुझे आज। क्या दी थी पंडित जी ना आने को? ले पंडित जी तो आ गए, पंडित जी राम राम। राम राम जी चौधरी साहब, राम राम। आओ पंडित जी, आओ आओ पंडित जी। और ठीक ठाक पंडित जी? हाँ चौधरी साहब सब ठीक। अरे आशा बेटा। हाँ पापा। चाय ले आइए। लाई पापा जी। अरे चौधरी साहब आज भी चाय पिलवाओगे खाली? कुछ मिठाई उठाई मंगवाओ, आप जो बोल रहे थे ना वो रिश्ता मैं पक्का कर आया। अच्छा, अरे आशा बेटी चाय तो रहन दे, दूध ले आ और साथ में मिठाई भी लेती आइए। ठीक है पापा जी। पक्का होता कैसे ना पंडित जी, हमारी लड़की बहुत सुंदर है और पढ़ाई लिखाई में भी नाम है लड़की का। चौधरी साहब फोटो तो है नहीं, लेकिन एक फोटो मोबाइल में निकली आया, आप देख लो कैसा है। राम राम जी। राम राम। फोटो तो सुथरा भाई, देखिए लड़का तो अच्छा भाई। पंडित जी। पापा जी मुझे दिखाओ। पंडित जी अब तो आप रिश्ते की फाइनल कर दो, और एक बात कर लियो बिल्कुल ठोक के जी, उन्हें जो भी चीज चाहती होगी वही देंगे, गाड़ी घोड़ा जो भी जरूरत हो पूछ लियो। चौधरी साहब उन पर दिया हुआ ईश्वर का बहुत कुछ है, उन्हें तो बस एक चीज चाहिए, बेटी अच्छी हो और एक रुपए का दहेज चाहिए बस। पापा जी लड़का तो बहुत सुंदर है, ऐसा ना हो पंडित जी कभी दहेज के ऊपर हमारी लड़की को परेशान रखें, दुखी करें। चौधरन वो खानदानी लोग हैं, उनके यहाँ रिश्तों की लाइन लग रही है, ये तो उस मनीषा बिटिया का बहुत अच्छा नसीब है जो उस घर में रिश्ता जुड़ा। पापा जी ये तो बहुत खुशी की बात है, मनीषा दीदी का रिश्ता पक्का हो गया, अब हम अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से सजाएंगे, घर में सबसे अच्छा पापा जी सबसे बढ़िया वाला टेंट लगाएंगे, गीत गाएंगे, नाचेंगे और मेहमान आएंगे घर पे, कितना अच्छा लगेगा ना पापा जी। देख ले सारे घर को खुशी है, पर सबसे ज्यादा आशा को खुशी है। पंडित जी आप मुंह मीठा करो। पंडित जी दूध भी पियो। जुग जुग जियो बेटी। धन्यवाद चौधरी साहब, आशा बेटी की शादी मैं ही कराऊंगा। यह भी कोई पूछने की बात है पंडित जी, आप ही कराओगे? इसके चेहरे का तेज बता रहा है, जिस घर में जाएगी राज करेगी। और चौधरी साहब एक बात बताऊं, आपकी जो बेटी है ना छोटी, उससे भी अच्छी गुणवान सुशील संस्कारी बेटी है। पंडित जी आप तो एक काम करो, अब तो तारीख फाइनल कर ही दो। अरे चौधरी साहब एक बात बतानी तो मैं आपसे भूल ही गया, अगले वाले महीने की जो 16 तारीख है ना उसको पूर्णिमा है, बहुत अच्छा मुहूर्त है,
अगर आप चाहो तो मुझसे जाकर तारीख पक्की कर दूं। अरे पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ कर भी दो, मारी तो पूरी तैयारी है। क्यों भाई, ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों आशा बेटी, ठीक है? हाँ हाँ पापा जी। क्यों भाई? हाँ जी। और पंडित जी, आप तारीख पक्की करो और बस। हाँ भाई अमित जी। हाँ भाई, एक बात बता। एक बात बता, तेरा रिश्ता तय हो गया? हाँ हो गया। अब तेरी सगाई होगी? तेरी सगाई। थोड़े दिन में ब्याह हो जाएगा? थोड़े दिन में ब्याह होगा। हमारा क्या होगा? हमारा के होगा? मारा ब्याह करवा। तू मेरा ब्याह करवाइए। सुनो हाँ। बड़ा मैं हूँ, मेरा होगा पहले। अरे ऐसा कुछ नहीं, मेरा होगा पहले। मेरा ही होगा पहले, मैं बड़ा हूँ। मेरा होगा ब्याह, मेरा ब्याह होगा, तेरा बाद में होगा। तेरा नाक तोड़ूंगा मैं, तेरे भटिया भटी दूंगा मैं। एक बात बताऊं, ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दे दूंगा मैं तुझे, ट्रैक्टर के बोनट में दे दूंगा मैं, बिल्कुल खत्म कर दूंगा मैं तुझे, धोबी पाट की तरह मारूंगा, समझ गया? मैं तुझे जोड़ में फेंक दूंगा, तुझे ठाके पटक दूंगा, मैं पीट दूंगा तुझे। अच्छा चल, एक काम कर, जिसका ब्याह होगा अमित से बात कर ले, इसका फैसला अमित करेगा। अमित कहां गया? अरे कहां गया? ये तन्ने करवाई गड़बड़, तन्ने करवाई गड़बड़, अबे तन्ने करवाई, साले मुंह तोड़ दूंगा तेरा, मैं रैप के मार, मैं थप्पड़ मारूंगा, खींच के मैं तेरे गुट मारूंगा, मैं मुक्का मार दूंगा, मैं तेरे गुट्टी गुट बजाऊंगा, मैं तुझे जमीन में तार दूंगा, मैं तेरे मुंह को फोड़, मैं तेरे मुंह में हक दूंगा। पता नहीं आशा की बच्ची समझती क्या है अपने आप को, पता नहीं पापा इस मनोज को कहां से उठा के ले आए। अच्छी बोली, उसकी शादी की बात हो रही थी, मेरी शादी कराने वाली बन रही है, जी चाहता है इसको तो गला दबा दूं मैं। अरे तुझे क्या जरूरत है पंडित जी से बात करने की, मिठाई खाओ दूध पियो, नुआ नुआ अपनी तारीफ जरूर करवाओगी, शादी उसकी हो रही है तेरी हो रही है? अरे चुप हो जा, बिल्कुल इस घर की शांति को भंग करके ही रहेगी। अरे पंडित जी के जी में आया कुछ उन्होंने बोल दिया, तुझे एक बात दिख रही, उस छोरी के ब्याह की सबसे ज्यादा खुशी ही सही है, समझ गई? खुश हो रही है, देखना उसकी शादी में मनुष्य नजर लगाएगी। अरे छोड़ दे, जान दे इन चीजों को, नजर बताने लगी जा, ब्याह हो जान दे। आशा, जा मनीषा बुला रही अंदर, सुन ले उसकी क्या कह रही है, यही अड़का खड़ी हो जा, सारी बात सुनेगी घर की। हाँ दीदी, क्या हुआ? क्या समझती है तू अपने आप को, तू मेरी शादी कराएगी? मुझे नहीं करनी उस जाहिल गवार से शादी, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, समझी तू? दीदी मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, वो माँ पापा की लड़ाई हो रही थी तो उनकी लड़ाई बंद कराने के लिए मैंने आपकी शादी के लिए बोल दिया। अगर आपको शादी नहीं करनी दीदी तो आप पापा को बोल दो, वो नहीं करेंगे आपकी शादी। मुझे सलाह देगी तू? मुझे सलाह देगी तू? अपनी मीठी बातों से पापा को अपने बस में कर सकती है तू, मुझे नहीं समझी तू? और क्या बोल रही है, पापा से जाके मना कर दूं? मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, समझी तू? अरे क्या बात है आशा, आजकल तो बहुत रंग चढ़ रहा है। चढ़ेगा क्यों ना, कर्मों का हाथ जो फिर रहा है। अरे कभी कभी हमसे भी हाथ फिरवा ले। ज्यादा बकवास कर रहे हो, जाके अपनी माँ बहन पे हाथ फेर लो, बेशरम कहीं के चले आते हैं गांव की बहू बेटियों को छेड़ने के लिए, ले फेर के दिखा तू हाथ। इतनी हिम्मत तेरी मारी माँ बहन तक जाएगी? तेरी तो हाथ फेर लेगा, हट। लो जी फुप्पा, करी आया। करी आया? हाँ जी। चल ठीक है, अब फुप्पा भूख लग रही है, मुझे रोटी खानी है। वे धरी खा ले, यही रखी है। अरे वे धरी खा ले जाके। सूख रही है इसे, तब लिखवा लो, निकलवाएंगे। ये दोनों तो यहाँ है और वो घर पे है अकेली, आज जैसा मौका नहीं मिला। चल बेटा करमू, आज तो काम बनी जाएगा। हाँ लिखवानी तो पड़ेगी। अरे यार फुप्पा, ये रोटी मुझसे खिल गई। अरे कोई काम तेरे पे ढंग से हुए भी है? ये रोटी आई थी हम भी खा लेते टाइम पे, ये भी बिखेर दी।
बिखर गई होगी इन्ने के जान बूझ का बखेर दी। अब मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा इन्ने जान के बिखेर दी, तू एक काम कर भाई, घर चला जा और तावली सी जा और मारे लिए भी रोटी ले आ। ठीक है। के बात है, बोलन बिना देती ही तू। बोलने के बात है समय। एक आगे की बात बताओ। अब बिखर गई होगी अपना आप, उसने कौन सा जान का बखेर दी। हलक में ते जबान का ढंगू तैयार रहे। आज तो ज्यादा बेइज्जती होगी भाई गांव में हमारी, आज तक ऐसी बेइज्जती नहीं हुई हमारी। इसका इलाज तो कुछ करना पड़ेगा। सही कह रहा है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। इसका इलाज तो भाई कर्मू ही कर सके। ठीक कह रहा भाई। ले कर्मू भी आ गया। अरे भाई कर्मू बताओ। आजा। अरे यार भाई आ एक मिनट, बहुत जरूरी काम है भाई। चलो जल्दी बताओ यार, मेरे पे टाइम नहीं, इतना जल्दी बताओ। भाई आज आसान ने हमारी बहुत बुरी बेइज्जती करी है। भाई उसका इलाज तुझे ही करना पड़ेगा, उसे तुम छोड़ मत दियो। अरे यार इसी काम के लिए तो जा रहा था, तुमने रोक लिया, मगर ठीक करा तुमने बता दिया, अब उसका इलाज अच्छे से करूंगा। ठीक है। ठीक है भाई। बाल लग जाएगी इनमें, ठा ठा के पलटती रहे। प्यास लग रही है, गला भी सूख गया, ना तो ये खुद बैठे ना मुझे बैठन दे। अरे राम रे, थका लीनो कहते रहे कुछ ना करती, कद से लग रही हूं मैं यहां। पानी पी लो, आ जाओ। कितना वक्त हो लिया उसे गए हुए, दो बार रोटी लेके आ जाता इबलो खेतों में, इबलो नहीं आया। कोई बात ना, पानी पी लो तुम। ले यू लावेगा तेरा भोजन, यू तो इस डब्बे का ताम झाम भी यहीं छोड़ गया। ध्यान ना रही होगी उसके। हाँ इसके क्या कुछ ध्यान रहे। पानी पी लो। घनी थकी दिखे, सुबह से तो लग रही हूँ। हाँ और तेने काम तो बहुत निमटाया, घना काम कर लिया, अब उसे कमला को बुला लिए, मालिश करवाइए सारे शरीर पे। तुम ज्यादा बकवास तो करे करो मत ना, कितना ही काम कर लूंगा, नारायण को बुला लियो, ये कौन सी बात है। अरे जो ये धांस सी चुपकी होगी ना, इनमें आराम मिल जाएगा, मैं तो तेरे फायदे की बात कर रहा। एकदम मजदूर लगा के करवा लो, मेरी तो बस की है ना, खेत पेत पे आना, मेरे से तो तुम क्या करो। अपना आप देखो हार गई। उन्होंने कहा रोटी रोटी लेकर, तुम घर को ही चलो। और मैं तो पहले से ही कहने लग रहा। चलो तो चल, मैं बैठ ठा लाऊं। ठा लाओ। बखेर दो पानी अब तो। हाँ पानी तो बखेरी थे, पावड़ा भी यहीं ट्वेल पे धर जाएंगे। चलो ठीक है ना। हाँ। कर्मू तू क्या कह रही थी तू मेरे दोस्तों से, आज मैं तुझे कहीं मुंह दिखाने लाग नहीं छोड़ूंगा, घर भी कोई ना। कहाँ जा रही है। छोड़। कर्मू मुझे छोड़ दे, मैं पापा को बोल दूंगी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। बोल ना, पापा को बोल। छोड़ दो, आज तो मेरे हाथ लग गए, आज मैं छोड़ दूँ, आज तो मुँह को अलग करके ही रहूंगा। चिल्ला ना पापा, चिल्ला। पापा राम जाते हैं कुत्ते कमीने सारे, सारे तेरी हिम्मत हो गई, हाथों पे हाथ थे राम चाहे, ते राम चाहे तुझे बेचारा। और दो कसम मार के छोड़ अगर हम दो, साले मार मरा जाएगा, मार मरा हो जाएगा। राम चाहे मर हम दो, मान गया। ये कमीने तुझे कुछ कर, मैं घर पे ले गया है ताए, मेरा सहारा
बनेगा, इन लड़कियों का सहारा बनेगा। आराम जाते कुत्ते, अपनी बहन की आबरू कुत्ते। अभी सर मार के छोड़ोगे? भाई मुझे माफ कर दो, माफ कर दे साले, तुझे इतनी शरकत पे कुत्ते। तुम्हारा जुम्मा हो जाएगा तो मैं जेल हो जाएगी, मारा क्या होगा फिर? छोड़ दो साले, मरन दो मरन दो। इस कुत्ते को माफ कर दे साले, इस कुत्ते को घर से बाहर निकाल दे, घर से बाहर निकाल दे इसे। तसल्ली करो तुम। पापा जी मैं कहाँ जाऊंगा? चला जा यहाँ से नीच, तूने तो ऐसा काम करा है निकम्मे, तन्ने मेरे खानदान का भी नाम डुबो दिया। तन्ने तो मैं भी कहीं बोलने लायक ना, छोटी कुत्ते निकल जा। पापा मेरी लाडो, मेरी लाडो चुप हो जा, तेरा बाप तेरे सामने आग नहीं उठा सकता, आग नहीं उठा सकता। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ। साले बुड्ढे ने बहुत मारा, छोड़ू मनीष है ना इसे ना सकू, कर्मू अपने बदले नहीं छोड़ता। अरे बीड़ी बाड़ी पिलवा दो यार, हम तो वैसे बैठे बिल्कुल। ले भाई तू बीड़ी पी। माचिस तो दे दे। अरे कर्मू क्या हो गया भाई? परे को हो जा, कहीं पिट सी का आया कर्मू तो भाई आज? पिट सी ना पिट का आया हूँ। अच्छा, अरे तू तो आशा को सबक सिखाने गया था, ऐसी कोई बात होगी तो हमें बुला लेता, हम संभाल लेते। हाँ दिया मौका बुड्ढे ने तुम्हें बुलाने का, अब क्या तो बुड्ढे ने सवार के तोड़ दिया दिखे भाई। अरे भैया तोड़ा तो हुई, साथ में घर से भी निकाल दिया, अब कैसे करेगा तू? अब तो तुझे घर ही जाना पड़ेगा भाई। हाँ घर तो जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी तो ना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, बुड्ढे के घर की, बुड्ढे की और आशा की एक एक खबर मुझे मिलनी चाहिए। तू चिंता मत कर भाई, तुझे एक एक खबर मिलेगी। हाँ तू भी सुन ले। ठीक है। अरे शांति, मैं तो जाऊं बाजार, बैंक का भी काम है, कुछ तो पैसे निकलवा लूंगा, हलवाई तय करिया हुआ, टेंट वाले को कह हुआ ठीक है नहीं, और कार्ड बनने दिया हुआ, तू रोटी खा जल्दी। ए बहरी होगी सुनाई ना, इधर पापा कद से रोटी इनको कह रहे। हाँ माँ अभी बना के ला रही हूँ। रोटी ना बनी इवलो? तुम मुझे ही कहते रहे हो, मेरा कोई चार हाथ पाँव है? सवेर से लग रही हूँ काम में उठ के, अब एक घूट चाय लेकर बैठी हूँ, तेरे पर रोटी ना बनी। 24 घंटे वह काम में लगी रहे, समझ गई? तुझे हमने ना देखा इल्ला करते हुए कुछ भी, और नुई बैठी रही ना, ये हाथ पैर नू जकट जाएंगे, बुढ़ापे में कोई तेरा करने वाला ना मिलने का, समझ गई? मैं तो कितना ही कर लूं, तुम ना दो भलाई मुझे कदी भी। हाँ बस तू इस भलाई को थाम, हम तो भूखे ही चले जाएंगे। करे बात। पापा पापा रुको तो सही, बस 2 मिनट में बना दूंगी खाना। उसे भूखा भेज के पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, तुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ना मेरा 70 नाम धरा हो। मेरा भतीजा तो तन्ने लिखवाई दिया, अब मुझे भी लिखवा दिया है, पूरी रैली फैली फिरी है इस घर में, यू ही चाह रही है ना तू? चल कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तुझे ठाक लाए मेरी छाती पे धर दी तू, खेत पे गुजार रही हूँ रोटी लेती आई है। गांव के मोहल्ले में कुछ नहीं रखा भाई। अरे कर्मों की लैन आ रही भाई। आने दे, हमारा भी तो कुछ हक बनता होगा। हक हक तो पूरा बने। अरे केली केली कहाँ जा रही? कर्मों को टिफिन छोड़, मुझे माँ के लिए रोटी लेके जानी है। माँ के लिए? हम भी तो कुछ लगते होंगे, हमें भी खिला दे प्यार से। छोड़। इतना सुल्तान पड़ा सा खींचते क्यों नहीं अंदर? हाँ खींचो। आज तो चली गई, फिर तो मिलेगी। चलो रोटी खा लेते हैं। चलो धर लो। आई निकम्मा खतमारी जान कहाँ रहेगी? रोटी ना लाई नहीं आ रही भगी भाई,
तेरी वजह से भूख की मरी हुई, घंटे से बाट देख के चली हूं। मावू कर्मू के दोस्त। फिर कर्मू का नाम ले रही है, तन्ने घर से तो निकलवा दिया उसे। मावू कर्मू के दोस्त मिले मुझे, वो बहुत गंदे मेरे से बदतमीजी करने लगे और वो रोटी का डब्बा और मट्ठा भी छीन लिया। तू देखे का इतनी और की परी है जब तुझे छेड़ रहे हैं सब, रोटी लाने के मारे बहाना मार रही है। नहीं मैं बहाना ना मार रही, बाप होता तो रोटी लाती। सोच ली माँ है आज मरंदे ससुरी को भूख की। माँ वो बहुत गंदे है मेरे से बदतमीजी कर रहे थे कर्मू के दोस्त। तू कैसा कर का हटेगी, बाहर के इनसे भी मरवाओगी मेरे आदमी को, कैसा करेगी? बेटा तो मेरा है ही ना, एक आदमी है इसे भी मरवा दे बेचारे को। चल अब रोटी बनी है घर चल, आगे आगे हो ले। तुम तो बस ऐसी करते रहना, ना तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे ना हमारी शादी होगी, ऐसे तो मेरी शादी वहाँ हो ही जाएगी। अरे यार मम्मी पापा नहीं भी आए तो हम दोनों शादी कर अमेरिका चले जाएंगे। सच? हाँ सच में यार। सच बोल रहे हो? सच में यार, आई लव यू यार। आई लव यू टू। लव यू थ्री। अरे वाह भाई वाह, ब्याह का घर है। तीन दिन में ब्याह होना है और चौधरन संडराई पड़ी। सारा काम करके अभी लौटी हूँ, मगले तन्ना काम कर लो। सारा ही काम निपटा लिया तन्ने तो भाई सारा ही। एक देख मारी बेटी, बाप जब भी आवे चाय के टाइम पे चाय और पानी के टाइम पे पानी एकदम लेके आवे, बहुत भाग से मिले ऐसी बेटी। देख बेटा और तू भी देख ले, ये चारक तो काट रहेगी, इन्हें तो गांव में भिजवा दियो। ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है। और हाँ ये चूड़ी, और देख गहने भी मैं बनवा लाया, देख लो तुम कैसे, तू भी देख ले। ये तो बहुत सुंदर है पापा। 5 लाख के ये, और 5 लाख के आओगे परसों ब्याह से पहले। बस 10 लाख के बनवाए, मैं तो 20 लाख के सोच रही। कौन सा भी घर बाप की बेटी है वो। अरे तू तो खामा खा की बात करू जा, जहाँ छोरी जा रही उन्हें भी पैसे की जरूरत ना है, समझ गी? अरे 20 के भी बनवा देंगे और आशा के ब्याह में इससे भी ज्यादा करेंगे। नमस्ते नमस्ते बेटा, इधर आ जा, देख तेरे गहने आ गए, आ जा। है ना सुंदर? मेरी बच्ची बड़ी सुंदर लगेगी जब इन्हें पहनेगी। 5 लाख के गहने बेटा ये। बस 5 लाख के? अरे 5 लाख के ना बेटा, 5 लाख के तो आ गए और 5 लाख के परसों आ जाएंगे। परसों आएंगे? तू क्यों चिंता कर रही, आ जाएंगे। अरे तेरे ब्याह ते पहले पहले ही आ जाएंगे, तू चिंता ना करे। और ले ना ढंग से धरिए संगवा के, यहाँ वैसी चोर बस रहे। इनके तो दिमाग खराब हो रहे, तू इनका बुरा ना मानिए। जा बेटी जा, तू आराम कर ले। ए लाली तू क्या कर रही, कहाँ जा? पिताजी कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? ए बावली परसों तेरा ब्याह है, बांध तेरे लगने हैं और तू अब भी घर से बाहर जान लग रही, कॉलेज जान लग रही, कोई उकचुक होगी तो क्या होगा? ए शांति। हाँ, अरे क्या कर रहे तुम, परसों इसका ब्याह है, बाण इसके लगने, अरे यार स्कूटी ठारी नुके, मैं तो कॉलेज जान लग रही। माँ देख लो पिताजी कॉलेज न जान दे रहे। कॉलेज जागी? माँ मुझे कुछ दोस्तों को कार्ड देने थे और कॉलेज में एप्लीकेशन देनी थी। चली जान दो, एप्लीकेशन देनी भी जरूरी है, छुट्टी ना मिलेगी तो शादी कैसा होगी? तुझे भी दुनिया के रीति रिवाज का ना पता है, छोरी को भेजते होंगे इस तरीके से। अब जा दे दिया होगी यो। ले और जल्दी आ जाइए। ठीक है पिताजी। और बस इसके बाद ना जाने की बाहर, ध्यान कर लिए। अरे के हो गया? आज मैं आखिरी बार आई हूँ और कल मेरी शादी है, पिताजी ने बहुत मुश्किल से आने दिया है मुझे। अरे मैं कह तो रहा हूँ तुम कुछ अपने गहने और कुछ पैसे लेकर और आ जाओ, फिर अगले हफ्ते पिताजी आ जाएंगे, हम दोनों शादी कर पिताजी के साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। सच में यार? ठीक है। कल को इनकी बरात जानी और आज जो है सफाई नहीं हुई इन पे, जाले से चढ़ा रहे मेरे पे, अपने आप पता नहीं कहाँ रहे। ओए जल्दी कर दे काम, कुछ शादी वादी होने वाली है, सारे को साफ कर दे। दिमाग न खराब करे, होने वाली बहू का जेठ लगे है तू, या तेरी जिम्मेदारी का काम है यो? अच्छा हाँ। और तू देवर लगे? हाँ, देवर शकल से तो तू जेठ लगे। तेरा दिमाग खराब है, मैं देवर हूँ तू जेठ है। और तुझे एक बात का पता है? दो बता। तू पढ़िया लिखा होता तो पता होता तुझे, एक बहन ना जेठ का भी हो। दिमाग ना खराब करे, मुंह फोड़ दूंगा तेरा। मैं सफाई कर लेता हूं।
मेरा क्या होगा, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे होंगे, मेरा ब्याह कैसे होगा? अबे ओए, हाँ मेरा ब्याह जैसे होना हो, तेरा ब्याह कहाँ तो हो जाएगा? तू भी तो बहुत पाप करा है। कौन सा करा? मन्ने मकड़ी मार के पाप करा। हाँ। तू भी तो अपनी धनों की पुंछड़ मत चीजड़ी काड़ काड़ के मारा है। धन्य तो मेरे से 4 गुना 10 गुना पाप कर रखे। अरे मुझे लग रहा मेरा दोनों का ही ब्याह नहीं होगा। हमें तो लग रहा हाथ ही चलाने पड़ेंगे। अब हाथ क्या, फड़े भी चलाने पड़ेंगे खेत में। अब तो रंडवे ही बनाएगा, मुझे लू लग रहा मेरा भाई। अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है, कल बारात जानी तुम्हें कुछ पता ही ना है। चलो अपने अपने काम पे लगो। अरे तुझे ना पता मारी बिहानी रात ही चलेगी, मारे माथे चावल ना लग जाएगी। अब और चल चल नमस्ते। हेलो। हाँ चौधरी साहब, राम राम जी, मैं वर्मा बोल रहा हूँ। हाँ राम राम वर्मा जी, राम राम। हो गए कहने तैयार? हाँ चौधरी साहब, बस हो गए तैयार, थोड़ी सी कसर रह रही है, कल सुबह भिजवा दूंगा। कैसी बात कर रही है वर्मा जी, कल को ब्याह है, कल को ही तुम गहने भिजवाओगे? अरे लड़की को पहनने भी है, कल को ब्याह है, तुम कोई उक चूक ना करवा दियो ब्याह में। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कारीगर चला गया था, उसके घर में चौधरी साहब को जरूरी काम आ गया था, वैसे वो आ चुका है। आज सारी रात उसे काम पे लगाकर और दूसरे कारीगर को भी लगाकर तुम्हारा काम नहीं पटवा दूंगा आज मैं। देखो वर्मा जी, एक बात समझ लियो, लड़की का ब्याह है, ऊक चूक ना हो जा, अगर कुछ हो गया ना तो मेरे से बुरा कोई ना होने का ध्यान कर लो, मुझे गहने चाहिए कल को हर हालत में। अरे अरे चौधरी साहब चिंता मत करो, आपका घर हमारा घर एक ही बात है, सुबह 8 बजे से पहले भिजवा दूंगा। चौधरी साहब गुस्सा मत हो, बस अपनी जबान पे जमे रहियो, मारे ब्याह में कोई उक चूक ना हो जा, लाली का ब्याह बहुत शोक से कर रहा मैं, ध्यान रख लियो बस। ना ना चौधरी साहब फिक्र मत करो, सुबह जरूर भिजवा दूंगा। अच्छा जी राम राम। राम राम। लो भाई। पापा। हाँ बेटा। अभी तक गहने नहीं आए, मैंने तुमसे पहले कहा था, ना तो इसके डिजाइन अच्छे हैं और ना टाइम पे गहने पुजाएगा। वैसे मेरी शादी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, मजाक कर रहे हो? लाली चिंता ना करे, सब कुछ हो जाएगा है? तुझे अपनी तैयारी कर, काम खा गुस्सा कर। एक तो 20 लाख से 10 लाख के गहने कर दिए, अब भी टाइम पे ना आए। अरे 20 के भी दे देंगे तुझे आगे आगे, बहुत कहा जाएंगे, चल अंदर बैठ जा। शादी करूं तो किससे करूं? अगर मेरी शादी अमित के साथ हो गई तो मुझे गांव में रहना पड़ेगा, और वैसे भी मैं उससे प्यार थोड़ी ना करती हूं, मैं तो विकास से प्यार करती हूं, और उसके साथ अमेरिका रहूंगी। मम्मी दुखी होगी, एक चिट्ठी ले जाती हूं, पहले देखती हूं मम्मी पापा सो रहे हैं या नहीं।
ससुरा इतनी देर में घेर के आवे? अरे जल्दी कर ले बारात में चलना। मनी लेके जाने का इनको तू वर्गा घेर का। क्यों घेर का मम्मे? तू ही घेर का मन जाने का। बड़ा हूँ ना भाई। बड़ा है तू और देख ले। हाँ फेल आ गई है। क्यों कहूँगा? तो जब तू बड़ा है ना तो बहू का जेठ लगेगा तू। ऐसा मारूंगा रैप के साले के। दिमाग खराब कर रहा, हर बात में जेठ बतावे। अबे बाल तेरे उन रे कनखड्डू से। रहने बत्तख से। मैं देवर लगू तू जेठ लगे? तू ही जेठ लगे बस। तू सकल से तो जेठ तू ही लगे। नहीं तू लगे। तू लगे मतलब मानने नहीं तू? क्यों मानू? मानने नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं मानू। मानने नहीं? मान गया। हाँ है भाई, तुम यहाँ लड़ान लग रहे हो और वहाँ बता तैयार खड़ी है, चलना लगा तुम्हें। हाँ ठीक है जी, चले बे। चलो 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 क्वाडी यही धर दो। एक एक पैक ही मार लेंगे आज तो। ओ गुड्डू, ओ कृष्णा, तू बैठने के लिए बुला रखा है यहाँ? कुर्सी क्यों ना बिछाते? अरे देख, हाँ अब लगान लगे ना वहां भी से। तू अंधा हो रहा? यू देख ये कितना कूड़ा पड़ा। साफ कर इसे जल्दी 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 साफ करो। बांध इसे, मंडप भी अधूरा ही पड़ा। नरेश टेंट वाले के सही है तू? हाँ जी। कहाँ है वो? यू मंडप कब लगेगा? अरे यू मंडप कब लगेगा फिर? ताऊ बारात आ गई। आ गई बारात? और ठहरवा दी। ठहरवा दी? बहुत बढ़िया करा भाई। अरे पंडित जी कहाँ है? पंडित जी ने देखे मैंने। अरे पंडित जी भी तो आने थे भाई। ए तू कहाँ जाती फिरे है? चाक का बुलावा देखा ही चाक ना पूछो। अरे देख सारा काम अधूरा पड़ा और ना मनीषा चमक रही, जाके देख वह तैयार भी हुई या नहीं, बारात भी आ ली। वो तो सुबह से दिख रही ना मुझे, मैं तो काम में लग रही हूं। अरे पंडित जी कहाँ है? कहाँ चली गई ये छोरी? मनीषा यहाँ भी ना है। उंगा बारात आने को हो रही है, छोरी के पते ना कहाँ गई। भाई इसने भी मेरा खून ही पी रखा, यू के गेर रखा आया। ए भगवान, इस छोरी ने के कर दिया, बेइज्जती के काम कर दिए, अब हम क्या मुंह दिखावेंगे? हे राम। ताऊ जी पंडित जी आ गए। पंडित जी देखो बारात आ गई है, इसे विशाल को अपनी गैल ले जाओ और उसे बारात को रोकने का करो काम को, समझ गए? ठीक है। अरे एक काम करियो, लड़के के पिताजी ना है, जिम्मेदार कौन है बारात में उसे भी ढूंढ लियो। अरे चौधरी साहब लड़का ही जिम्मेदार है। अच्छा तो बस तुम जाओ, बहुत जल्दी करो भाई, जा जल्दी काम करो। ठीक है चौधरी साहब। लाली। हाँ पापा। बस तू सारे दिन इस काम में ही लगी रही है, यू क्या करके आ रही तू? पापा जी मैं हलवाइयों को ना दूध देने गई थी। यू काम तेरा ना है, तैयार हो जा, समझ गई? और इसे मनीषा को भी देख लिए। ठीक है पापा। बारात आली बता दिए? इन्हें तो जुलम कर दिया कतई। माँ माँ माँ, वो पापा कब से मनीषा दीदी को पूछ रहे हैं पर वो कहीं दिख नहीं रही हैं। क्या हुआ माँ? माँ मैं पापा को बुला के लाती हूँ। ओ मेहनती ये काम छोड़ दे, जाओ सिलेंडर हलवाई को देगा और ये भी देखा, ये बाकी भी। पापा जी वो आपको माँ बुला रही है अंदर। बेटा बारात आ रही, मैं बारात को देखता हूँ। पापा जी बहुत जरूरी काम है, आप पहले चलो। भाई चलो। तम भी इल्ला हो ना दो कुछ भी, सारे ही तो काम अधूरे पड़े। ओहो यहाँ है बारात तो आ रही, अरिया बैठी यहाँ। मुंह फुला रखा चौधरन, के बात भाई? पापा। हाँ बेटा। पापा, मरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी निकली, भागी, बारात बाहर आ रही और लड़की भागी, इतना पढ़ लिखी मारी बेटी। पापा संभालो।
आज समझा मैं कुदरत का न्याय, हमारे कोई बेटा नहीं दिया इसलिए नहीं दिया। 7 पीढ़ियों तक यू कलंक नहीं जाया करता जिस घर से लड़की भाग जा। नहीं पापा, माँ, माँ की को कितना बड़ा मां देगी, क्या करूँ ऐसी जिंदगी का। माँ उठो, माँ उठो, क्या करूँ ऐसी जिंदगी का। माँ बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। बर्बाद कर दिए लड़की ने, बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर दिए लड़की ने।